हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जो है मैंगो के बारे में सारी चीज़ें, आप लोगों को जो डाउट था सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हमने उसमें वैरायटी के बारे में पढ़ा था, संकर किस्मों के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को संकर किस्में जो है तैयार हो गई होंगी बेहतर तरीके से। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसके आगे जो वैरायटियां हैं उसके जो इम्पोर्टेंस है उसको सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे जो डिसऑर्डर, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑर्डर होता है उसको सीखेंगे, और जो प्रमुख रोग होते हैं जैसे कि मैंगो माल फॉर्मेशन जो होता है, गुच्छा रोग जिसे बोला जाता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कवर करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिवीजन करा देते हैं। जो आपने संकर किस्में इतने अच्छे तरीके से कवर हुआ कि नहीं, कवर होना जो है, याद होना ही आपको जो है लोगों से अलग करेगा। आप एक पन्ना पढ़े, एक पेज पढ़े या दो पेज पढ़े, वो तैयार होना चाहिए। क्लासेस जैसे जैसे दी जा रही हैं आपका, वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आप हम उसको रिविजन करा देते हैं। पहले क्या था, मल्लिका था। मल्लिका किसका क्रास था, किसका जो है संकर किस्म या क्रास था, तो हमने बताया था कि हमारी मैम जो है मल्लिका थी, हमारी सीनियर भी थी, रियल में भी सीनियर थी हमारी। तो जो है मल्लिका थी, कहाँ से पढ़ती थी, हमारी यूनिवर्सिटी से, यानी कि एनडी यूनिवर्सिटी से। एन से क्या हो जाएगा, नीलम, और डी से क्या हो जाएगा, दशहरी। उसके बाद उल्टा हमने क्या बताया था आपको, आम्रपाली, जो कि मल्लिका में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद हमने क्या बताया था, आम्रपाली, उसका उल्टा हो जाएगा, मल्लिका का उल्टा हो जाएगा, यानी कि दशहरी गुड़े नीलम हो जाएगा। और ये जो है आम की सबसे छोटी बौनी प्रजाति है और उत्तर भारत की कह सकते हैं एकमात्र ऐसी वैरायटी है जो आपको मतलब नियमित फल देती है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या बताया था, रत्ना और जो है नीलकिरण, नीलकिरण रत्ना, नीलकिरण रत्ना में हमने क्या बताया था, रत्ना आप इंग्लिश में लिखेंगे RATNA, यानी जैसे लिखते हैं आप फ्रेंड्स, रत्ना जैसे हमने बताया था NA, नीलम, और नीलम गुड़े क्या हो जाएगा, अल्फांसो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने किरण बताया था, किरण जब आप लिखेंगे ऐसे, किरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फांसो गुड़े नीलम हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद हमने बताया था आपको सिंधु, सिंधु नदी, तो हमने इस तरीके से याद, ये सिंधु जो होती है, हमने क्या बोला था, सिंधु को सिद्धु से याद करें, मुंह से सिद्धु वाला जो है उसके पास बहुत गुदा था, गश्त था। तो सिंधु में आम की ऐसी वैरायटी जिसमें ज्यादा गुदा वाली पाई जाती है, 7 ग्राम मैंगो उसमें मतलब गुठली का वजन होता है, तो उसके बाद बहुत गश्त था, तो उसने किसको पटा लिया था, रत्ना को फांस दिया था, तो रत्ना गुड़े अल्फांसो। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने और देखा था आपका जो है, हमने देखा था क्या देखा था, अर्का अरुड़ा, अर्का अरुड़ा और अर्का जो है पुनीत देखा था हमने। तो अर्का अरुड़ा का हमने बताया कि मेरा फ्रेंड्स है जो है अरुड़ा, यानी कि अरुण कह सकते हो। तो वो पहले क्या, वो मौर्या था, उसने क्या किया था, बैगन पल्ली, यानी वो पहले बैगन लगा था तो बाद में अल्फांसो लगाता है। पुनीत क्या करता था, उसका उल्टा करता था, वो पहले अल्फांसो करता था, बाद में बैगन पल्ली करता था। क्लियर हो गया। आप कोई डाउट नहीं है, ये कभी गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से तो आएगा आएगा, देखना। ठीक है, क्रॉस से पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे जो वैरायटियां हैं, जो इम्पोर्टेंस हैं, बाकी चीजें तो कवर कर लिए हैं, ठीक है, उसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग सीखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं, जैसे कि रुमानी हो गया, तो आप लिखेंगे जो महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं इनको लिखेंगे। जैसे कि हम क्या कहते हैं, रुमानी, रुमानी के क्या इंपॉर्टेंस है उनको देखना है। पहला वैरायटी क्या लिखना है आपको, रुमानी। ठीक है, तो रुमानी जो है एप्पल शेप्ड वैरायटी है, इसको कहा जाता है आम की जो है एप्पल शेप्ड वैरायटी है। ठीक है, गोवा भी आम की वैरायटी है। ठीक है, अभी उसको कवर करते हैं, गोवा भी है। ठीक है, तो रुमानी जो है आपकी एप्पल शेप्ड वैरायटी है, यानी कि कह सकते हैं सेब के आकार की वैरायटी है, एप्पल शेप्ड वैरायटी है आम की। ठीक है, ये आम की ही पढ़ रहे हैं ना, आम की वैरायटी है। ठीक है, और इसमें और एक बात और रखना, याद रखना है,
जो रस निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप इसी में लिख लीजिए कि इसकी रस निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिसेपिंग कहलाती है, रस निकालने की प्रक्रिया, रस निकालने की प्रक्रिया, रस निकालने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है, डिसेपिंग कहलाती है। ठीक है, अब पूछ लेगा डिसेपिंग किससे संबंधित है, फ्रेंड्स पूछ लेगा डिसेपिंग किससे संबंधित है, किससे बताएंगे, आम से संबंधित है। क्लियर है, किससे संबंधित है, आम से संबंधित है, ध्यान रखना। इसके बाद जो आपकी महत्वपूर्ण वैरायटी आ जाती है अल्फांसो आ जाएगा, तो उसको आपको ध्यान कैसे रखना है, अल्फांसो आ जाएगा जैसे दूसरे नंबर पे अल्फांसो, ठीक है, अल्फांसो आ जाएगा विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाली ये वैरायटी है। लिखेंगे आप क्या है, विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, सबसे ज्यादा निर्यात, केसर जो है प्रोसेसिंग के लिए था, मैंने बताया था निर्यात, ज्यादा निर्यात किया जाता है, ठीक है, अल्फांसो। और ये जो स्पोंजी उतक जो होता है इसके उसके प्रति जो है सर्वाधिक गाढ़ता होती है, इसमें स्पोंजी उतक के प्रति, स्पोंजी उतक के प्रति सर्वाधिक ग्रहणता जो है, ग्रहणता है इसके उसके प्रति, ठीक है। अब आपको लिखना है जिसके क्रास में जो है अल्फांसो आ जाते हैं तो वो जो है रेजिस्टेंट होते हैं जो है इसके उतक के प्रति, स्पोंजी उतक के प्रति, जिसमें कह रहे हैं जिस क्रॉस में आ जाएगा अल्फांसो इसके प्रति जो है स्पोंजी उतक के प्रति जो है रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है बॉम्बे ग्रीन, हमने बॉम्बे ग्रीन पढ़ाते समय क्या बताया था, और एक ऐसी वैरायटी है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ ना, एक ऐसी वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन, लिखिए उसको पहले आप, दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर बॉम्बे ग्रीन। तो बॉम्बे ग्रीन में आप उत्तर भारत की सबसे पहले पकने वाली किस्म है, हमने बताया है उत्तर भारत की सबसे पहले पकने वाली किस्म है, ठीक है, पकने वाली उत्तर भारत की सबसे पहले पकने वाली किस्म है, क्लियर हो गया। और इससे जो है इसमें जो है ये कह सकते हो मॉल फॉर्मेशन इसमें नहीं देखने को मिलता है उत्तर भारत में, बाकी उत्तर भारत में जो एक मिनट फ्रेंड्स तो इशू हो गया है, इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स टेक्निकल इशू के कारण जो है एक बार क्लासे पढ़ा चुके थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है, तो दोबारा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा से सिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आप पढ़ें अच्छे से, आपका तैयार हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, हम यही चाहते हैं, ठीक है। तो बॉम्बे ग्रीन की बात कर लेते हैं, बॉम्बे ग्रीन आम की ऐसी एक वैरायटी है जो जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए तो सब में पाया जाता है, विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है, लेकिन एक ऐसी वैरायटी जिसमें विटामिन सी पाया जाता है बॉम्बे ग्रीन उत्तर भारत में सबसे पहले पकने वाली वैरायटी है और जो है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, माल फॉर्मेशन इसमें जो है नहीं होता है उत्तर भारत की, बाकी सभी जो है वैरायटियों में
मालफॉर्मेशन रोग, गुच्छा रोग देखने को मिलता है अधिक। ठीक है, बॉम्बे ग्रीन हो गया फ्रेंड्स। अब हमको पढ़ना क्या है, इसके बाद चौसा पढ़ना है। चौसा के बारे में पढ़ना है, चौसा जी तो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौसा, चौसा बोले तो मौसा। ठीक है, सबसे मीठी जो है पछेती किस्म कौन सी है आपकी, चौसा। चौसा कह सकते हैं, मौसा जी जो है मीठी मीठी बातें करते हैं, चौसा यानी कि सबसे मीठी वैरायटी, सबसे मीठी वैरायटी है और उत्तर भारत की सबसे पछेती किस्म है। उत्तर भारत की पछेती किस्म है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत में अगेती, अगेती की बात कर लेंगे तो ये बॉम्बे ग्रीन अगेती हो जाएगा। पछेती की बात करेंगे, चौसा मौसा जी सबसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो सबसे मीठा जो है कौन सा है, चौसा है। अब बात कर लेंगे दशहरी, तो उत्तर भारत की है, ये कांतरण जो फल देती है। दशहरी की बात कर लेंगे हम, दशहरी की बात करेंगे तो उत्तर भारत की सबसे उत्तम किस्म है। सबसे उत्तम क्या है, किस्म है, उत्तर भारत की सबसे उत्तम किस्म है। और एक दशहरी आता है दशहरी 51, इसको याद रखना है, रेगुलर फल देती है दक्षिण भारत में, इसको लगाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत की ये वैरायटी दशहरी, लेकिन D51 क्या है, दक्षिण भारत में लगाते हैं इसको और नियमित फलन देती है। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लिए होंगे। और इसमें जो है मॉल फॉर्मेशन जो होता है नहीं होता है। ठीक है, दशहरी 51 क्या है, उत्तर भारत की वैरायटी है, लिखेंगे आप, अरे सॉरी, दक्षिण भारत की वैरायटी है, माल फॉर्मेशन नहीं होता और रेगुलर फल देती है, नियमित फल देती है। क्लियर हो गया। अब फजली आता है, इसका जो है पछेती किस्म है फजली। फजली क्या है, आप क्या लिखेंगे, फजली जो है पछेती किस्म है। ठीक है, अब इसके बाद एक और आ जाएगा आपको, और याद रखना केसर, केसर को ध्यान रखना होगा आपको, केसर प्रोसेसिंग के लिए है और गुजरात की प्रसिद्ध पछेती किस्म है। कहाँ की, गुजरात की जो है प्रसिद्ध पछेती किस्म है, इसको ध्यान रखना है आपको। और इसमें डिब्बा बंदी सबसे ज्यादा होता है, इसमें डिब्बा बंदी में सबसे ज्यादा उपयुक्त किस्म है, किसमें, डिब्बा बंदी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं न्यू वैरायटी जो है, जैसे कि आपका पूसा सूर्या हो गया, पूसा अरुणिमा हो गया और पूसा अंबिका हो गया, अच्छे हो गया, ये आपकी न्यू वैरायटी है, इसको ध्यान रखना है, न्यू वैरायटी यानी कि नई वैरायटी, नई किस्में, न्यू वैरायटी। ठीक है, न्यू वैरायटी में कौन कौन से हैं, आप लिखेंगे पूसा सूर्या, दूसरा लिखेंगे पूसा अरुणिमा, तीसरा नंबर पर लिखेंगे अंबिका हो जाएगा और अच्छे हो जाएगा, अच्छे। और ये जब अर्का, इसके पूसा अर्का की बात करेंगे तो आम का हो जाएगा आपका, और अर्का सूर्या की जब बात कर लेंगे आपका, पपीता में हम पढ़ाएंगे अर्का सूर्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा या सूर्या पूछेगा तो किसकी वैरायटी लिखेंगे आप, पपीता की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात और कर लेते हैं, जो इतना तो हो गया ना पछे जो है पपीता की है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब तोतापुरी जो है बौनी किस्म है, तोतापुरी कैसी है, बौनी किस्म है, बौनी किस्म।
ठीक है, और रेशे रहित है, और रेशे रहित है तो मुझे वो जूस के लिए उपयुक्त किया जाता है, रेशे रहित है किसके लिए? जूस के लिए उपयुक्त किया जाता है, जूस के लिए जो है उपयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? अब हमें पढ़ना है, इसके आगे पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, तो हमको जो है अब पढ़ना है साई सुगंधा आता तोतापुरी गुड़े गुड़े जो है केसर, इसको भी याद रखिएगा, साई सुगंधा, साई तोतापुरी गुड़े केसर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप सीजन की वैरायटी का याद कर लेते हैं, बेमौसम की जो होती हैं उनको याद रखिएगा, बेमौसम वाली वैरायटी जो है उसको ध्यान रखिएगा। बेमौसम की बात कर लेंगे, यानी कि ऑफ सीजन की वैरायटी कर लेंगे, बेमौसम की वैरायटी की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निरंजन हो जाएगा, और एक आ जाएगा मधुलिका। ठीक है, आप सीजन की दो वैरायटी को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब निरंतर फलन देने वाली वैरायटी को याद कर लीजिए, यहां लिख लीजिए, अगर निरंतर फलन देने वाली, निरंतर फलन देने वाली, निरंतर फलन में लिख लेंगे आप बैगन पल्ली, और एक आ जाएगा बैगन पल्ली, हो जाएगा आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध वैरायटी है, और तोतापुरी हो जाएगा, तोतापुरी दिखेंगे, और एक आप लिख लीजिए नीलम, ठीक है। तो ये जो है आपका निरंतर जो है फल देने वाली वैरायटी है। अब एक आता है बहु पॉली इम्ब्रियोनिक, यानी बहुभ्रूणता, लिखेंगे आप पॉली इम्ब्रियोनिक वैरायटी है, बहुभ्रूणता वाली कौन है, ओलर है, यानी कि, और इसके बाद गोवा है, दो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका इसका पौधा लगाने का समय कब होता है, पौधे लगाने का समय, पौधे लगाने का समय फ्रेंड्स कब होता है, जुलाई अगस्त में होता है, यानी कि बरसात के सीजन में होता है, जुलाई अगस्त में होता है। बात कर लेते हैं जो फूल कब आते हैं, पुष्प, आम में पुष्प कब आएगा, तो फरवरी में, जनवरी फरवरी कह सकते हो, फरवरी में आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रोग की, बात करते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट लगते हैं उनको हम कीट के बारे में बात करेंगे, पहले जो आम में कीट होते हैं प्रमुख, उनके बाद में बात करेंगे। पहला कीट जो लगता है आपका आम का फुदका, यानी कि मैंगो हॉफर, आम का, आम का फुदका, मैंगो मैंगो हाफर, तो इसका आप जो है क्या, इसका वो नेम है रोग का, तो एमरीटोडस, एमरीटोडस एक एटकिनोसोनी, ठीक है। आम का एक प्रमुख कीट होता है जो इसमें निम्ब एवं प्रौढ़ पुष्पकर्म को जो है, एवं पत्तियों को जो है, का पत्तियों का रस चूसती हैं ये लोग, ठीक है। अब इसका हम नियंत्रण कैसे करेंगे, इसको याद रखना है, उपचार इसका हम कैसे करेंगे, तो उपचार हम कैसे करेंगे, डाई मिथियो, डाई मिथियो एट, जिसे डेड नेम में रोगार, रोगोर
का हम 0.2% का छिड़काव करते हैं इसके रोकथाम के लिए, फुदका के लिए। अब एक मिली बग आता है, दूसरा आप क्या रखेंगे याद, मिली मिली बग, तो ब्रसिका मैंगी फेरी, ठीक है। उपचार इसका करेंगे क्या, कार्बोरिल, कितना 0.25% का हम छिड़काव करेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब हम बात कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पाउल्ड्री मिल्ड्यू की बात करेंगे। अब हम कीट हो गया, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जो बात करेंगे हम रोग की बात करेंगे, रोग यानी कि डिजीज की बात करेंगे। रोग की बात करेंगे, अब रोग में पहला आपको याद रखना है पाउल्ड्री मिल्ड्यू, याद रखना है। पाउल्ड्री और मिल्ड्यू, पाउल्ड्री मिल्ड्यू, या छछाया भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो कवक लगता है, कवक कारक क्या है, कारक आपका ओडियम, ओडियम मेंजी फेरी, ये क्या है, कवक है। रोकथाम कैसे करेंगे, इसका रोकथाम की बात करेगा तो आप जो है कैरेथिन, क्या करेंगे रोकथाम के लिए, उपचार के लिए कैरा थेन पाउडर का उपयोग करेंगे। पाउडर का उपयोग कितना करेंगे, 0.1% छिड़काव करेंगे, ठीक है, पाउल्ड्री मिल्ड्यू के लिए। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको एंथ्रोनोक्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोग है आपका, एंथ्रेक्नोज, ठीक है। तो इसका नियंत्रण भी जो है कार्बेंडा जीन से करते हैं, 0.1%, क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्त हम और जो है इसको देख लेते हैं, इसमें जैसे कि मैंगो माल फॉर्मेशन होता है, ये मतलब गुच्छा रोग होता है, मैंगो माल फॉर्मेशन, इसको मैंने शॉर्ट में पढ़ा रखा है, आप वीडियो भी देख लीजिएगा, फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम मोन मोल मोनली मोनी ली फेरम, फ्यूजेरियम मोनली फेरम एक कवक जनित रोग है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका उपचार कैसे करेंगे हम, तो उपचार को है इसको हम करेंगे मेनकोजेब, मेनकोजेब का उपचार करेंगे, कितना, 2 ग्राम प्रति लीटर से छिड़काव करेंगे इसको, ठीक है। दैहिक विकार होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि हम कहें काला सिरा रोग होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, दैहिक विकार में आप लिखेंगे काला सिरा रोग, ठीक है, कौन से लिखेंगे, दैहिक विकार में लिखेंगे दैहिक विकार में लिखेंगे आप, पहला नंबर पे लिखेंगे आप काला सिरा, काला काला सिरा यानी कि ब्लैक टिप, ब्लैक टिप। तो इसका जो है कैसा ये डिजीज किस कमी के होता है, तो बोरोन की कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है,
तो हम क्या करेंगे, जब बोरोन की कमी से होता है तो बोरोन का हम छिड़काव करेंगे कितना परसेंट, 2.6% हम बोरान का छिड़काव करते हैं। स्पोंजी उतक आता है, दूसरा क्या है, स्पोंजी उतक, स्पोंजी उतक, स्पोंजी उतक की बात करेंगे तो ये इसके लिए क्या करेंगे, इसके स्पोंजी उतक रोधी जो है हम किसमें लगाते हैं, रोधी जो है किसमें लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, जैसे स्पोंजी उतक रोधी किसमें कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, नीलम लिख सकते हैं और दशहरी लिख सकते हैं, इतना ध्यान रखिए, दशहरी, नीलम और दशहरी याद रखना है, ठीक है। आंतरिक मृत्यु निक्रोसिस जो होता है ये भी आपका बोरोन की कमी से होता है, हमने बता रखा है, तो उसमें भी बोरेक्स मिक्सचर जो है यूज करते हैं। ये था फ्रेंड्स जो है अपनी मैंगो की कलीस क्लास जो है कंप्लीट होती है, आगे हम बनाना को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।